नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, ये न्यू इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, जो इससे पहले जस्ट मैंने अभी वीडियो डाला हुआ था उसमें मैंने आपसे कहा था 0.5 के हिसाब से, मीन्स आपका 1/2 के हिसाब से मार्क्स काटा जाए। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, मुझसे गलती हुई है, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। देखिए तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा है, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए उसका जो सही है ना, 2 का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जितने भी नंबर, मान लिया आपने 10 नंबर गलत किए ना, तो 10 नंबर के हिसाब से आप मान लीजिए उसका हाफ कर दीजिए, मतलब आपका कह सकते हैं 5 नंबर काटा जाएगा। ठीक है ना, पहले मैंने कहा था अगर 10 क्वेश्चन गलत है तो 10 नंबर काटे जाएंगे। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है, मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूँ। ठीक है, तो मतलब 0.5 जी, जैसे आपका आपने 100 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आपने 150 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए, आपने उसमें आपके 100 सही हैं, तो आपको 100 × 2 आपके 200 नंबर तो हो जाएंगे वहाँ से। और जो 50 रॉन्ग हुए ना, 50 का आप हाफ कर दीजिए, मतलब 25 नंबर आपके वहाँ से लेस हो जाएंगे। ठीक है ना, और पहले मैंने ये कहा था 50 में आपका 50 लेस होंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी आपने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं उसका हाफ कर दीजिए, आपने अगर 20 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो आप 10 नंबर वहाँ से लेस कर दीजिए। ठीक है, ये आपका रहेगा पैटर्न। ठीक है, तो मुझसे गलती है दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो बिल्कुल सही है जिस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिया गया, प्रत्येक उत्तर अंक के लिए, प्रत्येक जो आपका उत्तर होगा रॉन्ग होगा तो उसके लिए 0.5 अंक काटा जाएगा, अंक काटा जाएगा, ना कि 0.5 के हिसाब से मार्किंग आपकी। ठीक है ना, तो 0.5 अंक काटा मीन्स आपका हाफ हो जाएगा वहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।